भौतिक भूगोल की जो किताब है, भौतिक भूगोल, ध्यान रखना, भी किताब का नाम है भौतिक भूगोल। और ये आपकी फर्स्ट पेपर है, अभी पहला पेपर है बीए फर्स्ट ईयर में। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, कैसे पृथ्वी बनी थी, ठीक है। तो पृथ्वी के लिए उत्पत्ति के संदर्भ में दो हमारे पास में संकल्पनाएँ आती हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। अब एक तो है अद्वैतवादी संकल्पना, अद्वैत यानी दूसरा कोई नहीं, अद्वैत। और एक आती है द्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी का मतलब है, द्वे का मतलब होता है दो, इसका मतलब इसमें किसी एक ही घटना के बारे में बताया जाएगा और इसके तहत दो घटनाओं के बारे में बताया जाएगा, दो चीज़ें होंगी, दो पदार्थ होंगे जिसकी वजह से पृथ्वी की उत्पत्ति होगी। कहने का मतलब यहाँ कहीं दो या दो से अधिक होंगे, परंतु यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ होगी। क्या है तो देखिए, एक तो आपने देखना है कांट, कांट एक विद्वान है, तो कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, और एक है लाप्लास, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। दो चीज़ें ध्यान रखो, यहाँ पर क्या कहता है कि कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। अब समझ लो पहले क्या है कि कांट विद्वान है, वो कहता है कि ब्रह्मांड के अंदर असंख्यक यहाँ पे क्या था, वायु के बादल थे। क्या थे यहाँ पे पहले, वायु धूल कणों के बादल थे, धूल कण थे यहाँ पे, धूल कण है और गैसें उपस्थित थी भी वातावरण में, क्या था उस ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति तो हुई नहीं ना, हम वातावरण में नहीं कह सकते, हम क्या कहेंगे ब्रह्मांड के अंदर। उस ब्रह्मांड के अंदर धूल कण और गैसें थी, और धूल कणों के पास में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो वो जैसे जैसे अपने नज़दीक आते गए, एक दूसरे के पास में आते गए, तो गैसें और धूल कण मिल करके एक ठोस पदार्थ बन गए। तो ये बन गया वायव्य राशि, वायव्य राशि मतलब, वायव्य से मतलब क्या हो गया, बादल। जैसे एक बादल होते हैं, अब बादलों के पास में सिर्फ जल वाष्प और धूल कण होते हैं, यदि उनके धूल कण इकट्ठे हो जाएं, ठोस हो जाएं, तो फिर आपने देखा होगा ओले गिरने लगते हैं, ओले पड़ने लगते हैं ना, तो ओले किस वजह से पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ जल वाष्प और धूल कण इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे उनका घनत्व बढ़ता है तो वो भारी होने की वजह से नीचे गिरते हैं। परंतु ब्रह्मांड के अंदर अंतरिक्ष में किसी प्रकार का कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें तैर रही हैं ना, वो वैसे ही उसी स्पीड से उसी गति से ही तैरती रहेंगी। अगर हमने वहाँ पर जाकर के पेन को जरा ऐसे ही फेंका है ना, तो वो उसी गति से चलता ही रहेगा अनंत काल तक, जब तक उसके सामने कोई वस्तु आकर के टकराएगी नहीं। ब्रह्मांड में क्या है कि अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो वो नीचे नहीं गिरेगा, वो इसी जगह पर रहेगा, और अगर उसको थोड़ा सा भी आपने धक्का लगाया तो वो उसी गति से आगे चलता जाएगा, अनंत काल तक चलता जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना ब्रह्मांड की सीमाएं कहाँ तक है। और जब अगर कहीं आगे कोई ठोस पिंड होगा, उसे टकराएगा, तो टकरा करके उसकी दिशा जो है वो चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ब्रह्मांड के अंदर बहुत से बादल थे, धूल कण थे, वो जैसे जैसे ठंडे होते गए, इकट्ठे होते गए, तो ठोस पदार्थ बनते गए, और इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये कौन कहता है, कांट कहता है। लाप्लास क्या कहता है, लाप्लास कहता है कि निहारिका परिकल्पना, निहारिका, एक निहारिका जो है ये भी उसी प्रकार का ही है, बस इसने नाम चेंज किया है, क्योंकि जो भी कोई आता है ना, तो वो पीछे वाले का नाम सेम नहीं रखता, वो नाम चेंज करके परिकल्पना सेम दे देता है। बस जैसे कि मैंने कोई वीडियो बनाई, वीडियो की मैंने हेडिंग अलग कर दी और उसमें पढ़ा सेम ही रहा हूँ, तो इसमें क्या रहता है कि भी पीछे वाले का कॉपीराइट इशू नहीं आता, कॉपीराइट होता ना कि इसने मेरी कॉपी कर ली है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके उन्होंने बता दिया। तो इसमें भी वो क्या कहते हैं कि धूल कण थे, बादल थे, उन्हीं से ही क्या बनी है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जैसे जैसे वो ठंडे होते गए, अपने पास आते गए, और ऊपड़ खापड़ जगह पर वो जमा हो गए। आप अगर मिट्टी को उठाओ और उसको इकट्ठा कर लो तो समझो कि वही पृथ्वी है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। परंतु ये द्वैतवादी क्या कहते हैं, द्वैतवादी में कौन है, चैम्बरलिन और मॉल्टन, ये कहते हैं ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु यानी ग्रह, जो ग्रह है वो किससे मिला है, बना है अणु से, ग्रहाणु परिकल्पना। यानी इसने कहा कि पहले वहाँ पर ग्रह मौजूद थे, पृथ्वी, ये जो हमारे पास में ब्रह्मांड है इसमें सूरज था, और सूरज के जैसे और भी यहाँ पे तारे थे। अब जैसे जैसे सूरज के करीब से कोई तारा निकला,
सूरज के करीब से कोई तारा निकला इस तरीके से, तो उसने सूरज से क्या किया, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसने सूरज से कुछ भाग को अलग कर दिया, कुछ भाग को अलग कर दिया। जैसे मैं आपको कहूं कि भी आपका जैसे दोस्त है, ठीक है ना, उसने क्या किया, अब वो अपने घर से निकल रहा था तो उसने आपको कॉल कर दिया कि मैं बाइक पे आ रहा हूं, आप तैयार होकर के बाहर खड़े रहना, ठीक है ना। वो जब आया तो उसने देखा कि बाहर कोई आया नहीं अभी तक, तो वो निकल गया सीधा ही, और उतनी देर में आप बाहर आ गए। अब आप ना तो उसके साथ जाने जा लायक, ना घर पे बोल के आए थे कि भी मैं जा रहा हूँ, वह ना वापस घर पे जाने के लिए। क्या होता है कई बार कि आपके दोस्त को बुलाया आपने, वो गली में आने वाला था कि आप निकल गए और वो गली में पहुँचा, अब वो ना उधर का ना इधर का। तो इस प्रकार से जब इससे एक पदार्थ अलग हो गया, तो उस वजह से जब अलग हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, वो यहीं पर ही इसके चारों ओर फिर बाद में घूमने लग गया, और बाद में वहीं से ही ग्रह जो है, जितने भी ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति हो जाती है। समझे कैसे, कि जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बता रहा था, समझा रहा था, उतने में क्या हुआ कि यहाँ से कोई गुजरा और आपका ध्यान एकदम से बाहर गया, ठीक है, आप भटक गए, और मैंने जो पढ़ाया था वो पढ़ा करके आगे निकल गया। अब ना तो आप उधर देख पाए कि कौन गया था, और ना ही आप इधर देख पाए कि मैंने क्या कह दिया, बात समझ में आई। तो ये हो गया बीच की स्थिति, ऐसे में आप बीच में लटक जाते हो, ना उधर के ना इधर के। तो इसी तरीके से ही ये जो है, ये जो भाग सूरज से अलग हुआ वो भी इसी तरीके से, बस अब इर्द गिर्द, अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ अब आप देखोगे, समझने का प्रयास करोगे कि मैंने क्या कहा था, तो उस बात के इर्द गिर्द आप घूमते रहोगे जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगी। तो इस प्रकार से ये परिकल्पना जो है वो देते हैं, और आगे चल करके ये भी क्या कहेंगे, ज्वारीय परिकल्पना। देखो ज्वारीय बल होता है, एक ज्वारीय बल, जैसे चंद्रमा है, अब वो पृथ्वी पर ज्वारीय बल पैदा करता है, यानी पृथ्वी से खींचने का प्रयास करता है किसी न किसी वस्तु को, परंतु पृथ्वी पर जो ठोस वस्तुएं हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन जो जल है, पृथ्वी पर जो मौजूद जल है वो क्या करता है, वो स्थिर नहीं है, वो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से तट के सहारे ऊपर बढ़ता है, जिसे हम ज्वार कहते हैं। जो हमने ज्वार भाटा का टॉपिक देखा था आपका, जो हमने पाँचवीं यूनिट देखी थी, मैंने यहाँ पर करवाया था उस क्लास के अंदर, ज्वार भाटा किया हमने, कि जल का तट की ओर आगे बढ़ना ज्वार कहलाता है और पीछे वापस आना भाटा कहलाता है। अब ये होता किस वजह से, ज्वारीय बल की वजह से, मतलब यहाँ से जो तारा गुजरा उसने इधर से आकर्षित किया, तो जो आकर्षित कर रहा है ना, तो इसका मतलब वो क्या लगा रहा है वहाँ पे, ज्वारीय बल लगा रहा है। चलिए अब इसको अच्छे तरीके से अपन आगे समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, कांट, कांट ने क्या कहा कि वायव्य राशि परिकल्पना, यानी इसने कहा, ये जर्मन है, जर्मन दार्शनिक है कांट, 1755 के अंदर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। यहाँ देखना, इसके अनुसार केंद्रापसारित बल केंद्र से बाहर की ओर, देखो ये बल कौन सा होता है, केंद्रापसारित, यानी केंद्र से अपसारित, एक अपसारी बल होगा एक अभिसारी बल होगा, ध्यान रखना, एक अपसारी और एक अभिसारी। अब बताओ मुझे जरा, अपसारी कौन सा होगा, नजदीक आने वाला या दूर भेजने वाला, अपसारी, अप शब्द कहते ही दूर जाएगा तो दूर भेजने वाला, अभिसारी, अभी मतलब पास में, ठीक है, वही अपनति और अभिनति वाला, सेम ध्यान रखना बातों को, बस ये शब्द ध्यान रखने हैं, अभिसारी। तो यहां पे बल कौन सा लग रहा है, केंद्रापसारी, यानी इसमें अप आ रहा है शब्द, इसका मतलब केंद्र से बाहर की ओर। तो केंद्र से बाहर की ओर जो जितने भी छल्ले अलग अलग थे, ये जो छल्ले यहाँ पे घूम रहे थे, केंद्र से बल के कारण के प्रयास से एक तपत एवं गतिशील निहारिका से कई गोल छल्ले अलग हुए, जिनके शीतलन से सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। क्या कहता है कि यहाँ पर सबसे पहले सूरज था, सूरज के चारों ओर गैसी है, सूरज के घूमने की वजह से जितने भी आसपास उसके कण थे वो सभी धीरे धीरे क्या होने लगे, दूर जाने लगे, केंद्र से दूर जाने लगे, और जैसे जैसे वो दूर गए, ठीक है, जैसे यहाँ पे सूरज है, अब इससे जितना भी कुछ पदार्थ निकला दूर गया, ये पदार्थ यहाँ इकट्ठा हो गया, उससे अगला पदार्थ यहाँ पर था, और जब ये पूरा पदार्थ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा एक जगह पर, तो यहाँ ग्रह बन गया। जब ये पदार्थ, इस पूरी लाइन का पदार्थ जब यहाँ पे इकट्ठा होने लगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक ग्रह बन गया।
तो इस प्रकार से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से बताया है कि देखो ये जो दिख रहा है आपको धूलकण है, डस्ट ग्रेन है, फिर उसके बाद में डस्ट के साथ में इसमें प्लैनेट जो मतलब कि थोड़े थोड़े पॉइंट जैसे धूलकण है वो इकट्ठे हो गए, और उस धूलकणों की वजह से अब ये धूलकण थोड़े थोड़े क्या हो गए, बड़े हो गए, और जैसे ये बड़े होते गए तो ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है यह जो यह कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम का अनुपालन नहीं करता। बस इसमें हमें क्या नहीं मिलेगा कि जो ग्रह हमने देखे थे कि ग्रह हमने देखा कौन कौन से, बुध शुक्र शनि अरुण वरुण ये सब देखे हमने, उसमें से हमें पता है कि शुक्र और अरुण ये दोनों उल्टी दिशा में घूमते हैं, ये दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं, और बाकी सब कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉक, पृथ्वी हमारी एंटी क्लॉक यानी पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो ये जो परिकल्पना है इसने लगभग सही बता दिया कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई है, बस ये इतना नहीं बता पाया कि भी अगर ये सभी ग्रह इस दिशा में घूम रहे हैं तो फिर शुक्र और अरुण उल्टा क्यों घूम रहे हैं। तो इस वजह से यानी कि इसमें थोड़ी सी कमी रहेगी, और इसको सुधारने के लिए अगले वाला वैज्ञानिक आएगा, अगले वाला विद्वान आएगा, वो उसमें कुछ अलग बातें सुधारेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखो क्या क्या मिला आपको, कांट की जो वायव्य राशि परिकल्पना है, पहली तो ये ध्यान रखना कि वायव्य राशि परिकल्पना किसकी है, कांट की। फिर ये ध्यान रखना कि इसमें केंद्रापसरित बल लगने के कारण क्या हुआ था, अलग अलग कई छल्ले जो है वो दूर हो गए थे, इस केंद्र से क्या हो गए, दूर होने लगे। तो कितने छल्ले दूर हुए, लगभग मान के चलना 9 छल्ले दूर होते हैं ऐसा ये कांट कहता है, और उनके ठंडे होने से क्या बन जाते हैं, ग्रहों की उत्पत्ति हो जाती है। परंतु लाप्लास क्या कहेगा, आगे चलते हैं, दूसरा आती है लाप्लास की निहारिका, और देख लीजिए इसको, ये जो हमारे पास में सूरज है इसके चारों ओर जितना भी इसका विस्फोट हुआ तो जितना भी इसके चारों ओर पदार्थ था ये सारा पदार्थ क्या होने लग गया, एक जगह पर ये देखो यहाँ पे इकट्ठा होने लग गया, इस लाइन का पदार्थ यहाँ इकट्ठा हो गया, इस लाइन का पदार्थ यहाँ इकट्ठा हो गया। तो इस प्रकार से पदार्थ इकट्ठा होकर के क्या बन गए, ग्रहों की जो है रूप ले लेते हैं, ये देखो ये ग्रह बन गए यहाँ पे, ये इस प्रकार से ग्रह जो होते हैं इस प्रकार से यहाँ पे चारों ओर सूरज के चक्कर लगाते हैं। तो इसने क्या कहा था, इसमें देखिए जरा, ये फ्रांसीसी विद्वान है, लाप्लास है, 1796 यानी वो 1755 में आया था, ये 1796 में आ रहा है, और इसने क्या किया है, कांट के सिद्धांत में संशोधन किया और बताया कि एक विशाल तप्त निहारिका से पहले एक ही छल्ला अलग हुआ, पहले क्या हुआ, एक ही छल्ला अलग हुआ। अब जब एक छल्ला अलग हुआ और उसके आगे चल करके उसके टुकड़े हुए, उसके आगे चल करके 9 छल्ले बने, तो अब इसने थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया कि भी जब एक परिवार से 9 लोग निकले तो उसमें से 6 जो थे या 7 जो थे वो एक ही तरफ घूमते थे, परंतु 2 उसके ओपोजिट घूमना लग गए, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, है ना। लेकिन पहले वाले ने जो कहा था, उसने कहा कि भी मैंने मतलब एक परिवार है, उसने एक व्यक्ति को बाहर भेजा वो घूमने लगा, फिर दूसरे को भेजा वो घूमने लगा, फिर तीसरे को भेजा, इस प्रकार से सभी जो है वो एक ही दिशा में जाने लगे। परंतु इसने क्या कहा, इसने कहा कि पहले 9 लोगों को हमने बाहर भेजा, घर से बाहर भेजा, कोई इधर चला गया कोई इधर चला गया, इस वजह से इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि शुक्र और अरुण उल्टा क्यों घूम रहे हैं, इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया। अभी तक ग्रह बनाने की बात थी, तो ग्रह बनाना तो कांट ने बता दिया था कि ग्रह ऐसे बने थे, कांट ने क्या बता दिया कि ग्रह जो बने हैं वो उस धूलकण से इकट्ठा होकर बने हैं, बस बताना क्या रह गया था, पीछे बताने की बात क्या रह गई थी कि वो उल्टा क्यों घूम रहे हैं, बस। तो उसी बात को इसने सिद्ध किया कि जबकि कांट के अनुसार निहारिका से 9 छल्ले अलग हुए थे, जबकि इसके अनुसार एक ही छल्ला अलग हुआ है और बाद में उसके 9 छल्ले बने हैं, ये छल्ले अपने पितृक छल्ले के चारों ओर एक दिशा में घूमने लगे, बाद में इन्हीं के शीतलन से ग्रहों का निर्माण हुआ, सेम बात है, इसने भी वही कह रहा है। इसके अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रह को अपने पितृक की दिशा में घूमना चाहिए, परंतु शनि और बृहस्पति के उपग्रह ऐसे नहीं है। अब समस्या क्या आ गई सामने, पहले वाले के सामने समस्या थी कि 2 ग्रह उल्टा घूम रहे हैं, इसने उस समस्या को हल कर दिया, इसने क्या कहा कि अपने पितृक यानी अपने पिता से जो शल्य अलग हुए हैं उसके चारों ओर घूमने लगे, कुछ इस तरफ गए कुछ इस तरफ गए। अब इस संकल्पना के आधार पर यह भी बताना था कि जो उनके उपग्रह हैं वो भी उन्हीं की दिशा में ही चलने चाहिए थे, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी ये सूरज है तो पृथ्वी
सूरज के चारों ओर ईश्वर चक्कर लगाती है, ये पृथ्वी है, ये ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। और पृथ्वी का जो उपग्रह है कौन है? चांद, चंद्रमा, ये चंद्रमा। और ये भी कैसे जाता है? ऐसे ही चलता है, ये भी ऐसे चलता, सेम बात होगी ना। अब ये बातें उनने कहा कि अगर ऐसी बात है कि आपने कहा नौ छल्ले अलग हुए हैं और उन नौ छल्लों ने अलग अलग रास्ता तय किया, तो इसी हिसाब से जो आगे शनि है, अब शनि चलता तो ऐसे है, शनि जो है वो चलता तो ऐसे है, परंतु उसका जो उपग्रह है वो ऐसे चलता है, तो ये क्या कारण हुआ? अभी उसने कहा ये क्या कारण हुआ, तो ये बात वो नहीं बता पाया। तो अभी तक मुझे बताओ कि हमने किस किस के बारे में चर्चा की? एक कांट के बारे में चर्चा की, जिसने कहा वायवीय परिकल्पना, वायवीय राशि परिकल्पना, वायु, वायवीय मतलब वायु की एक राशि है और उससे ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। दूसरा आया लाप्लास, उसने किस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया? जो उसकी रह गई थी, उसकी बात रह गई थी कि शुक्र और अरुण के उल्टा घूम रहे हैं, उस बात को सिद्ध करने के लिए जब उसने कहा कि ये सभी जो छल्ले, जो पहले एक ही छल्ला अलग हुआ, एक ही छल्ला अलग हुआ, उसके बाद में नौ छल्ले बने और ये छल्ले अपने पितृक छल्ले के चारों ओर घूमने लगे। अब अगर उन्होंने कहा कि अगर यही बात है, आपने बात बताई बिल्कुल सही है, हम सहमत हैं, अगर यही बात थी तो फिर ये बात पृथ्वी पर तो लागू होती है, सही लागू होती है कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है और ये चंद्रमा भी ऐसे घूम रहा है, परंतु ये बात शनि और बृहस्पति पर लागू नहीं होती, क्योंकि शनि ऐसे घूम रहा है जबकि उसके उपग्रह ऐसे घूम रहे हैं, तो ये उल्टा कैसे हुआ? तो वो बात यहाँ पे जवाब नहीं दे पाया। तो अभी तक हमने दो बातों को ध्यान रखना है, एक कांट की वायव्य राशि और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, दो बातें, इन दोनों बातों को नोट कर लो जल्दी से, नोट कीजिए भी जल्दी से, उसमें क्या लिखोगे आप? कांट जो है जर्मन है, ये कांट जर्मन का विद्वान, जिसने 1755 में, कब? 1755 में, कांट जर्मन विद्वान जिसने 1755 में वायव्य राशि परिकल्पना दी, वायव्य राशि परिकल्पना से ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में बताया, ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में बताया। कांट है, जर्मन का है, 1755 में है और क्या बता रहा है? वायव्य राशि परिकल्पना। दूसरा लाप्लास फ्रांसीसी है, फ्रांस से है, 1796 में है, लाप्लास 1796। निहारिका परिकल्पना, ठीक है, ये होगी दो बातें। अब आता है द्वैतवादी संकल्पना भी, द्वैतवादी। अब इसमें वो सिर्फ एक बात को नहीं पकड़ेंगे, वो यहाँ पे दो बातों को लेकर के चलेंगे जो द्वैतवादी है, जिसमें चैम्बरलेन और मॉल्टन है, चैम्बरलेन और मॉल्टन, 1905 की बात हो रही है, वो 1755 और 1796 की बात थी, उनके पास इतने स्रोत नहीं थे उस समय, उन्होंने उस हिसाब से बता दिया कि ऐसे हुआ होगा, लेकिन इनके पास में अब धीरे धीरे क्या हो गया, इनके समय स्रोत आ चुके हैं, तकनीकी का विकास हो चुका है, तो इन्होंने दूरबीन वगैरह से इन सब चीज़ों से इनके बारे में पता किया। तो अभी देखिए 1905 में प्रतिपादित इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण तप्त गैस या निहारिका से नहीं, ये क्या कहते हैं? तप्त गैस या निहारिका से नहीं हुआ, जबकि वो क्या कहते थे? निहारिका से हुआ है। लाप्लास निहारिका शब्द दिया उसने, जबकि कांट ने वायव्य राशि नाम दिया, परंतु दोनों का अर्थ निहारिका ही है, समझ गए? अब ये कहता है ये निहारिका से नहीं, यानी ये गैस से नहीं बना, ये गैसीय पिंड नहीं है, ये क्या है? ठोसीय पिंड है, इनकी उत्पत्ति ठोस पिंड से हुई है। अब ये ठोस पिंड आया कहाँ से, किस प्रकार से? तो देखिए क्या कहते हैं, प्रारंभ में ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे, भी
दो विशाल तारे थे, एक सूरज है और दूसरा ब्रह्मणशील तारा, एक सूरज है और दूसरा ब्रह्मणशील तारा है। जब वह ब्रह्मणशील तारा इस सूरज के पास में, ये सन है, इस सूरज के पास में जब वो पहुंचा, इस प्रकार से इस एरिया में आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है, जब इसके पास पहुंचा तो इसने अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से यहाँ से क्या किया, कुछ भाग इससे छीनने का प्रयास किया, खींच रहा है अपनी ओर। ये सूरज है, ये तारा अपनी ओर खींच रहा है, बुला रहा है, क्योंकि ये तारा बड़ा था, इसके पास गुरुत्वाकर्षण अधिक होने की वजह से वो इसमें से पदार्थ को अपने ओर खींच रहा था। अब इस ओर जब खींच रहा था तो इसकी गति तेज होने की वजह से जब तक ये पदार्थ अलग होता तब तक वो क्या हो गया, आगे निकल गया, तब तक वो आगे निकल गया, और आगे निकल गया जिस वजह से ये पदार्थ अब यही रह गया, और इस पदार्थ का नाम दिया गया फिलामेंट। ध्यान रखना, फिलामेंट, कि जब दूसरा तारा आया था तो उसने सूरज से जिस भाग को अलग किया उसे क्या कहा जाता है, फिलामेंट कहते हैं। तो इसने अलग किया, अब जितने में ये अलग होकर इसके पास जाता उतने में ये आगे निकल गया, दूर चला गया, इस वजह से अब ये सूरज ये ऐसे घूम रहा था, इस वजह से ये भी क्या करने लग गया, इसे ही क्या करने लगा, इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। अब ये ना तो वापस आ सकता है इसके पास में, ना उधर जा सकता है, तो ये बीच में लटक गया, तो ये अब बीच में ही रह करके क्या करने लग गया, चक्कर लगाने लगा। तो देखिए जरा, जब अन्य ब्रह्मन तारा सूर्य के पास पहुंचा तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्यक कण अलग हो गए। असंख्यक कण क्या हो गए, अलग हो गए, और अलग हो गए, यही आपस में मिलकर पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण करते हैं। परंतु ये बात भी एक गलत कह जाएगा, कौन सी, यहाँ पर भी बात सिद्ध नहीं हो रही कि शुक्र और अरुण उल्टा कैसे घूम रहे हैं, शुक्र और अरुण उल्टी दिशा में कैसे घूम रहे हैं, क्या ये बात सिद्ध हो जाएगी, यहाँ पे नहीं होगी, तो उसके लिए दूसरा आएगा संशोधन करेगा, ठीक है। अब देखिए क्या था, इस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति का पता चलता है, उसकी संरचना का पता चलता है, उसके वायुमंडल, महासागर और महाद्वीप व पर्वतों के निर्माण आदि की व्याख्या करने का प्रयास इसमें किया गया, इन सब बातों का तो हमें पता चल गया, परंतु अभी भी पॉइंट कुछ पड़े हैं जिनके बारे में अभी क्लियर नहीं है, तो फिर कौन से हैं, उनको कौन समझाएगा, आगे चलते हैं। अब आती है जेम्स जींस व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय, ज्वारीय बल होता है, ज्वारीय क्या होता है, बल होता है, जो कि एक बड़े पिंड के द्वारा छोटे पर लगाया जाता है, ठीक है। एक जो भी आपको आकर्षित कर रहा है इसका मतलब वो ज्वारीय बल लगा रहा है, आपको अपनी ओर खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उसे ज्वारीय बल कहते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी पर ज्वारीय बल लगाता है। तो अब ऐसे ही उसने भी क्या कहा, 1919 की बात, आगे भी 1919 ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स जींस ने किया, तथा अन्य वैज्ञानिक सर हेराल्ड जेफरीज, एक तो जेम्स जींस है, एक नाम है ये, और दूसरा है जेफरीज, जिसने इसमें क्या किया था, संशोधन किया, क्योंकि कुछ बातें इसने भी छोड़ी होंगी। इनके अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य एवं एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है, सेम बात है जो पीछे चैम्बरलिन और मॉल्टन ने कही थी, ठीक है। अब इसमें बात क्या आती है, नहीं, सूर्य के निकट से इस तारे के आने से सूरज का कुछ भाग ज्वारीय उद्भेदन के कारण फिलामेंट के रूप में खींच गया, अलग हो गया, यहाँ से क्या हो गया, ये फिलामेंट के रूप में अलग हो गया। ये स्टार जब यहाँ से आया तो इसमें अपने से गुरुत्वाकर्षण बल लगाता गया, लगाता गया, और जैसे जैसे ये पदार्थ दूर होता गया उतने में वो भी दूर चला गया, और यह फिलामेंट सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बनता है। फिलामेंट से सभी ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, और इस फिलामेंट का जो आकार था ना वो भी सिगार की तरह ही था, ठीक है, आगे से पतला, पीछे से पतला और बीच में से चौड़ा। और यही वर्तमान में अगर हम ग्रहों के क्रम की बात करें कि बुध, उसके बाद में शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अब बृहस्पति सबसे बड़ा है, वो बीच में आ गया, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये जब बिल्कुल लास्ट में जा रहे हैं, ठीक है ना, ये वाले, इधर वाले जो दूर है सूरज से, वो बड़े हैं, यहाँ से बड़ा है सबसे बड़ा, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर आता है, हमने ऐसे नंबर इसका काउंट किया था, और बाकी जो है वो आगे रहते हैं छोटे वाले। तो इस प्रकार से इसने क्या कहा, यह परिकल्पना ग्रहों और उपग्रहों के क्रम, ग्रहों और उनके उपग्रहों के क्रम, उनके आकार व उनकी संरचना की भी व्याख्या करती है।
तो ये परिकल्पना लगभग सटीक जा रही है जो वर्तमान में ग्रह उपग्रह हैं उनके बारे में बताने के लिए। तो आगे फिर हमें और क्या पढ़ना है तो देख लेते हैं। तो क्या हो गया था भाई, टूटकर सूर्य के चारों चक्कर लगाने लगे और इसी फिलामेंट से सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। तो पहले चार बातें हमने पढ़ी, जल्दी से बताएं भी, कांट कहाँ से है, कांट जो है वो कहाँ का विद्वान, जर्मनी का है। कब उसने दिया था, 1755 के अंदर। और उसने कौन सी राशि कौन सी कहा था भी, द्वैतवादी या अद्वैतवादी, अद्वैतवादी था, जिसमें उसने वायव्य राशि परिकल्पना की बात कही थी, वायव्य राशि। और उसने कहा कि 9 छल्ले अलग हुए हैं, जबकि लाप्लास क्या कहता है, लाप्लास पहले एक छल्ला अलग हुआ है, फिर उसके बाद में उसके 9 छल्ले बने हैं। और उसने बात कही थी 1796 के अंदर, फ्रांसिस का था। इसके बाद में द्वैतवादी आते हैं, जिसमें आता है चैम्बरलेन और मॉल्टन। चैम्बरलेन और मॉल्टन 1905 की बारी आ गई, लगभग 1905। और इन्होंने क्या कहा कि फिलामेंट यानी दो तारे थे, एक सूर्य और एक बड़ा तारा था भ्रमण करता हुआ जो सूरज के पास में से गुजरा, तो उसने अपनी ज्वारीय शक्ति से, आकर्षण शक्ति से कुछ पदार्थ को अपनी ओर खींचा, और वो पदार्थ जब सूरज से अलग हुआ तो उसे फिलामेंट कहा गया, और उसी फिलामेंट के द्वारा ही ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। और ऐसा ही कौन कहता है, जेम्स जींस और जेफरीज भी ऐसा ही बता रहे हैं। परंतु इसके साथ साथ सिद्ध क्या कर रहे हैं वो, तो इनके साथ वो बात को सिद्ध कर रहे हैं कि उपग्रहों का, ग्रहों और उपग्रहों का क्रम, उनका आकार और उनकी संरचना यहाँ से सिद्ध हो रही है कि वो बने कैसे हैं, आकार में बीच में बड़ा है, दोनों तरफ छोटे हैं, ये आकार सिद्ध किया उसने, और उनका क्रम सिद्ध किया, ये बात होगी। तो आगे देखते हैं जरा, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। रसेल सेम वही बात है रसेल की भी, यदि यह सिद्धांत जींस व जेफरीज की परिकल्पना में ही एक प्रकार का संशोधन है। जैसे उसने कही फिलामेंट अलग है, इसने भी कहा फिलामेंट अलग हुआ, बस इसमें कुछ और बातों को ऐड किया जाएगा। रसेल ने सिद्धांत के प्रतिपादन सूर्य और ग्रहों की वर्तमान दूरी तथा ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग की अधिकता जैसी समस्या का समाधान हेतु किया। यह जींस व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना में प्रमाणित नहीं हो पा रही थी, जो बातें कि शुक्र और अरुण जो है वो उल्टा क्यों घूम रहे हैं, जो बातें वहाँ नहीं सिद्ध हो सकी वो यहाँ सिद्ध करने का प्रयास किया। कोणीय आवेग, उसे कहते हैं कोणीय आवेग। तो इसने एक तो कोणीय आवेग को सिद्ध करने का प्रयास किया, एक उसकी दूरी, ग्रहों की दूरी। क्रम तो किसने बताया था, जेम्स जींस की परिकल्पना ने क्रम बता दिया था, आकार भी बता दिया था। अब बात रह गई थी दूरी की, कि उनके बीच में जो वर्तमान डिस्टेंस हुआ वो किस वजह से पैदा हुआ है। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि देखो ये सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है, फिर ये शनि है, शनि के बाद में ये अरुण है, अरुण के बाद में ये वरुण है, इस प्रकार से बताया। और इस तरफ जो है, यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये बुध है, बुध के बाद में ये शुक्र है, शुक्र के बाद में पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद में मंगल है, और मंगल के बाद में ये शुद्र ग्रहों ग्रह है, ये शुद्र ग्रह जो वर्तमान में भी मौजूद है। तो इस वजह से, इस प्रकार से इनकी बात लगभग क्या होगी, सटीक होगी, क्योंकि यहाँ पर आकर के सारी बातें क्या हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं। कोणीय आवेग सही हो रहा है हमारे पास में, बीच की दूरी सही हो रही है, क्रम सही हो गया, निर्माण बन गया, उनकी संरचना बन गई, सब बातें क्लियर होगी। तो अब बस इनका जो है क्या रहेगा आगे का देख लेते हैं। ओटो श्मिट, रूसी वैज्ञानिक ओटो श्मिट जो है 1943 में, ये क्या कहते हैं, इन्होंने परिकल्पना दी कौन सी, अंतर तारक धूल परिकल्पना। अंतर तारक धूल परिकल्पना, पहली का नाम बताओ जल्दी से, कांट की कौन सी थी, वायव्य राशि, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, चैम्बरलिन और मॉल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, ना ग्रहाणु परिकल्पना है, उसके बाद में जेम्स जींस और जेफरीज की द्वैतारक कौन सी थी, द्वैतारक ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना थी, ठीक है हाँ। और फिर उसके बाद में आती है ओटो श्मिट की अंतर तारक धूल कण। अब इसमें साथ में वो धूल कणों को भी ले रहा है, अब तक तो धूल कणों को नहीं लिया था, ठोस पदार्थ थे अभी तक, ठीक है। अब देखिए, परिकल्पना में ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से मानी है, इसने फिर से क्या कहा, गैस व धूल कणों से मानी है, परंतु ये द्वैतवादी है। ये कौन सा है, द्वैतवादी। इसमें दो बातों की बात करेगा,
वो पहले वाले भी गैस और धूलकण कह रहे थे, परंतु वो अद्वैतवादी थे, यानी वो एक ही जगह से बता रहे थे, ये दूसरी जगह से बताएंगे। कैसे? देखिए, उनके अनुसार जब सूर्य आकाश गंगा के करीब, इसका मतलब वहां पे एक आकाश गंगा है और एक सूर्य है, दो बातें आगे। तो जब सूर्य आकाश गंगा के करीब से गुजर रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस और मेघ के धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित किया। मतलब कि आकाश गंगा है जो आप देखते हो रात को, बहुत से तारों का झुंड होता है, वह आकाश गंगा है। उस आकाश गंगा के करीब से जब सूरज निकला, तो जब निकल रहा था तो उसके साथ साथ उस आकाश गंगा से कुछ गैस और धूलगण उसके पीछे हो लिए। अब सूरज आगे आगे और उसके पीछे पीछे वो सारे के सारे धूलकण, और बाद में जाकर के सूरज क्या कर सका, सूरज भी उस आकाश गंगा को क्रॉस करके आगे नहीं जा पाया। कारण अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि हमारा जो सूरज है ये भी घूर्णन करता है, ये भी परिक्रमा करता है। तो ये किसकी परिक्रमा करता है? ये आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करता है? आकाश गंगा की। ये हमारी आकाश गंगा है। इस प्रकार से जब यहाँ से सूरज, मान लेते हैं सूरज है, यहाँ से जब आया, ऐसे आ रहा था, तो इसने यहाँ से कई कणों को क्या लिया, साथ में ले लिया अपने, और खुद जब यहाँ पहुँचा केंद्र में, तो उसके बाद ये आगे नहीं जा पाया क्योंकि उसके केंद्र में गुरुत्वाकर्षण था, तो उसने आगे नहीं जाने दिया। तो अभी वर्तमान में सूरज जो है वो आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। सूरज किसके चारों ओर? आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर। और ग्रह किसके चारों ओर? सूरज के चारों ओर। और उपग्रह किसके चारों ओर? ग्रहों के। उपग्रह ग्रहों के चारों ओर, ग्रह सूरज के चारों ओर, और सूरज आकाश गंगा के चारों ओर। और इसी प्रकार से आकाश गंगा ब्रह्मांड में विसरण कर रही है, आगे पीछे चल रही है। अब जब ये यहाँ से गया तो अपने पीछे जो जो पदार्थ लेके गया था वो सभी पदार्थ भी इसके चारों ओर यहाँ पर जमा होकर के इसका चक्कर लगाना शुरू कर दिए। तो ये बात उन दोनों से भी ज़्यादा सटीक निकलती है, क्योंकि इसमें उसके पीछे पीछे आ रहे हैं सारे के सारे कण। अब वो जो पीछे आ रहे हैं, जो वो बनेंगे, ग्रह बनेंगे, अब उसमें कोई किस तरफ जाएगा, कोई किस तरफ जाएगा, इसमें कोई दिशा निर्धारित नहीं है। परंतु पीछे वाले जो हम देख रहे थे उसमें दिशा निर्धारित हो रही थी। कैसे? क्योंकि अगर हमने कह दिया कि यहाँ सूरज है, यहाँ सूरज है, और तारा अगर इधर से आ रहा है, ऐसे जा रहा है तारा, ठीक है, बड़ा स्टार जो ऐसे जा रहा है, तो फिर जो इससे अलग होगा पदार्थ वो इस गति में जाएगा, ऐसे ऐसे सर्कल लगाएगा पूरा का पूरा फिलामेंट। और अगर ये तारा इस तरीके से जा रहा है, ऐसे ये तारा इस तरीके से जा रहा है, तो जो इससे अलग होगा फिलामेंट वो इस तरीके से गति लगाएगा। तो पीछे वाले जो दो थे, चैम्बरलिन और जेफरीज थे, उनके अकॉर्डिंग ये सभी ग्रह एक ही दिशा में चलने चाहिए थे, तो इस वजह से वो चलते नहीं है। तो इसीलिए किसको आना पड़ा? ओटो श्मिट को आना पड़ा। इसलिए कौन आया? ओटो श्मिट आता है और वो बताता है कि भी वास्तव में कहानी क्या है। तो देखिए जरा, धूलकणों को अपनी ओर आकर्षित किया जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं धूलकणों के संगठित व घनीभूत होने से पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण हो जाता है। सूर्य और ग्रहों के बीच का कोणीय आवेग सिद्ध हो रहा है यहाँ पे। उनमें अंतर, विभिन्न ग्रहों की संरचना, उसके अंतर, ठीक है, अंतर ग्रहों की गति, गति में अंतर, सूर्य व ग्रहों की वर्तमान दूरी आदि सभी वैज्ञानिक व्याख्या करने में समर्थ है। तो इसमें क्या आपने देखा, ये सारी बातें आ गई। कोणीय आवेग आ गया, उसकी जो संरचना है उसमें जो अंतर आ रहा है, वो सब बातें यहाँ पे आ गई। कैसे? अब एक बात और देखो, पीछे वाले क्या कह रहे थे कि भी ये जो ग्रह है वो ठोस है ना, ऐसे कह रहे थे, परंतु ये चारों ही ग्रह ठोस नहीं है। ये चारों ग्रह कैसे हैं? गैसीय है, जबकि ये ग्रह कैसे हैं? ठोस है। तो ठोस पदार्थ तो सूरज के पास में है और दूसरा दूर है सूरज से। इसका कारण भी उसने सिद्ध कर दिया। कैसे? कि जो पदार्थ सूरज के करीब जाएगा वो भारी पदार्थ होगा, और जो पीछे रह गया वो धूल खाली क्या रहेगी, गैसे रहेगी। तो इसलिए पीछे वाले ग्रह जो है वो गैसीय बन गए, आगे वाले ग्रह जो है वो कौन से बन गए, भी
ठोस ही बन गए। सारी व्याख्या यहाँ पे होगी, परंतु गैस व धूलकण जैसे छोटे अणुओं को सूर्य ने कैसे आकर्षित किया, एक प्रश्न यहाँ पर भी छोड़ दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से ये बात आती है हमारे पास में। तो ये चार पांच बातें आपके सामने आ चुकी हैं, कांट की वायव्य राशि है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है, चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना है, जेफ्रीज और जेम्स की जो है वो ज्वारीय परिकल्पना है, और ओटो श्मिड की अंतर तारक धूलकण है। अंतर शब्द आते ही आपने ये कौन सी अंतरिक्ष यानी आकाशगंगा का नाम ध्यान रखना है, आकाशगंगा का।